तो स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एक और नए वीडियो में। और ये है अपनी तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी का पार्ट थ्री। फिलहाल हम लोग भारत की सबसे लंबी दूरी की राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा तय कर रहे हैं। हमने इस यात्रा को तिरुवनंतपुरम से शुरू किया था और बहुत लंबा सफ़र तय करते हुए हम लोग केरला के बैकवाटर्स को देखते हुए, गोवा के खूबसूरत नज़ारे इन्जॉय करते हुए हम लोग मुंबई तक कहाँ पहुँचे थे। अब फाइनली इस पार्ट में आप लोग मुंबई से दिल्ली तक की मेरे साथ रेल यात्रा एंजॉय करेंगे, जिसमें राजधानी अपने असली रूप में आती है। साथ साथ खाना पीना तो हम लोग एंजॉय करेंगे और बहुत कुछ एंटरटेनिंग सफ़र आप सभी का आगे इंतज़ार कर रहा है। चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से इस पार्ट को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ जाके ज़रूर से देखिएगा। फिलहाल के लिए इस सफ़र को शुरू करते हैं और आई होप आप सभी को पसंद आएगा। हाँ जी, तो यहाँ पर समय हो चुका है 6:15। बढ़िया सी शाम जो है वो ढल रही है। सामने आप देख लो, ये है पनवेल रेलवे स्टेशन, जो कि मुंबई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन बन जाता है, क्योंकि यहाँ से मुंबई की जो हार्बर लाइन है उसकी शुरुआत होती है। लोकल ट्रेन्स यहाँ से निकलती हैं। खैर, आगे बात करते हैं तो पनवेल से एक लाइन आपकी कर्जत के लिए भी निकल जाती है और एक लाइन यहाँ से JNPT के लिए भी जाती है। JNPT का क्या फुल फॉर्म है कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर से बताना। बाकी यहाँ पर हम लोग हल्का फुल्का 15 मिनट के डिले के साथ पहुँचे हैं और मुंबई को हम लोग बाईपास करते जाएंगे एक तरीके से, ये कह सकते हैं। मतलब मुंबई के ये नवी मुंबई वाला इलाका है, ठीक है। यहाँ से हमारी गाड़ी वसई की ओर निकल जाएगी और वसई से फिर सीधा मेन लाइन पर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। मुंबई के अंदर हम लोग एंटर नहीं करेंगे। जो मोस्टली गाड़ियाँ आपका साउथ की ओर से आ रही होती हैं वो ऐसे ही पनवेल वसई होते हुए आगे टुवर्ड्स दिल्ली की ओर निकल जाती है, जिन्हें दिल्ली जाना होता है। बाकी यहाँ से अपनी गाड़ी में जो बाकी 2 AC 3 AC वाले पैसेंजर है, उनका खाना चढ़ाया जा रहा है। उनका खाना पेंट्री में नहीं बनता है, बाहर से ही चढ़ता है। अब एक और चीज़ है, जो अपनी राजधानी की स्पीड है अब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। कोंकण रेलवे से एग्जिट किए 90 से यहाँ पनवेल तक 110 की स्पीड से चली। अब यहाँ से जैसे ही हम लोग वसई पहुँचेंगे, वसई के बाद से पूरा 130 है दिल्ली तक फ्लैट, तब मज़ा आएगा। असली राजधानी की वाइब तब आती है जब गाड़ी 130 पे तड़क तड़क भागती है, बिल्कुल है ना। बगल में नेत्रावती एक्सप्रेस खड़ी है, सही है। बाकी एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ट्रेन की साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। OBJ स्टाफ हेड्स ऑफ, क्योंकि जैसे हम लोग खाना खाते हैं तुरंत जो वेटर है वो बोल देते हैं कि भाई साफ़ सफाई कर दो केबिन या कूप की, तो तुरंत साफ करके जाते हैं। बाकी यार, इंतज़ार कर रहा था मैं पनवेल का, अब सुबह से मैं नहाया भी नहीं हूँ, पता ही आपको। कोई बात नहीं, फर्स्ट एसी में जर्नी कर रहे हैं तो फर्स्ट एसी में आपको पता ही है शावर रूम होता है, तो बढ़िया से एक काम करेंगे। नहाने की तो इच्छा नहीं है, बढ़िया मुँह वगैरह धोएंगे, थोड़ा फ्रेश अप होंगे और मज़ा आएगा। अब क्योंकि आप रिकॉर्डिंग करते हुए चलना है फिर से, अभी 15-20 मिनट का एक नैप ले ली, थक से गए थे क्योंकि सुबह से नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहे यार, तो जैसे ही लेटे तुरंत नींद ही आ गई। पर आसमान कितना खूबसूरत है ना, पूरा ओवरकास्ट स्काई है। बाकी सामने अपनी राजधानी को एडवांस स्टार्टर मिल चुका है, टाइम यहाँ देख लो। चलिए जी, निकलते हैं अब। यहाँ हमारी क्रॉसिंग हो रही है डीवा रत्नागिरी पैसेंजर से, ये देख लो आप लोग मुंबई की ओर से आने वाली लाइन से हम लोग मिल रहे हैं। इस डायरेक्शन में गाड़ी CST की ओर जाती है,
और इस तरफ सामने अगर आप देखेंगे तो ये कल्याण वाला रास्ता है, और हमारी गाड़ी कल्याण के पहले ही ऊपर से ही अलग हो जाएगी। देखो कल्याण से काफ़ी पहले ही हमारी लाइन जो है वो अलग हो गई है। हालांकि मैं आपको बता दूं, इस लाइन के ऊपर से भी हम लोग निकलेंगे। देखिए जी, एक और लाइन हमसे आकर मर्ज हो रही है, और ये वो लाइन है जिससे आपकी पुणे से आने वाली गाड़ियां हैं, जिन्हें मुंबई को बाईपास करके वाया वसई आगे दिल्ली की ओर जाना होता है, जैसे कि दर्शन एक्सप्रेस, पुणे दुरंतो, पैलेस क्वीन हमसफर। पूरा तो बहुत लगता है कि मेरे पर्सनल फेवरेट शहर मुंबई से ऐसे बाईपास करके जाना पड़ रहा है, पर अब क्या करें, अपनी ट्रेन का रूट ही यही है। बात ही कुछ और यार मुंबई की। बहुत गंदा मिस किया मैंने ये वाला। कोपर वाला ना, कोई बात नहीं। घूम लिया क्या? हाँ हाँ, पूरा लिया, सारा पूरा मर्जी सब लिया है। अचानक साहब मौसम में परिवर्तन देखिए, और इसी के साथ अपनी राजधानी एक्सप्रेस भी फॉर्म में आ चुकी है, ताबड़तोड़ भाग रही है। मौसम में परिवर्तन देखिए आप, और अपनी राजधानी क्या भाग रही है। क्या स्वागत किया है मुंबई में बारिश में, जबरदस्त ताबड़तोड़। देखो भाई, मुंबई में है तो मुंबई की लोकल से मुलाकात तो जरूरी है। फिलहाल हम लोग वसई रोड रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं, और सामने देख लीजिए मुंबई की जान, मुंबई की लोकल भीड़ आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि ऑफिस से घर जाने का वक्त है, पूरी लोकल जैम पैक है। तो यहाँ 7:40 करंटली वक्त हो चुका है, और फाइनली हमारी गाड़ी वसई रोड रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप सभी को मैं देता हूँ, यहाँ से जो ना अपनी राजधानी एक्सप्रेस असली रूप में आ जाएगी, भौकाल रूप में आ जाएगी, 130 की रफ्तार से चलेगी, ठीक है। बाकी हम लोग फिलहाल सेंट्रल रेलवे से वेस्टर्न रेलवे में एंटर कर चुके हैं, तो यहाँ पे अपनी गाड़ी का क्रू चेंज भी होगा। जो 130 वाला क्रू है, लोको पायलट साहब, गार्ड साहब, वो लगेंगे गाड़ी में। तो यहाँ पे गाड़ी का 5 मिनट का हॉल्ट है। बाकी अपना सूप जो है वो सर्व हो चुका है पहले अंदर। बैक टू बैक खाने पीने की चीज़ें आती रहती हैं, टाइम ही नहीं मिलता है कि आपको आराम मिलेगा। अभी भी मन तो नहीं है, पर ठीक है, सूप पी लेंगे। बाकी वसई रोड मैं आपको बता दूं, मेन लाइन पे पड़ता है न्यू दिल्ली मुंबई, और यहाँ पे सारी गाड़ियों का हॉल्ट होता है ऑलमोस्ट, जो वाया आपका दिल्ली से आती है, पुणे जाना होता है जिन्हें, या फिर साउथ की ओर निकलना होता है, राजधानी दुरंतो वगैरह, सारी गाड़ियाँ यहाँ पर रुकती हैं। तो अगर आपको मुंबई जाना है, आप यहाँ डिबोर्ड कर सकते हैं, यहाँ से लोकल लेके टुवर्ड्स आगे मुंबई में निकल सकते हैं। Number 1, 2, 4, 3, 1, Eventum, Hamburg, Nilaudin, Rajdhani Express, Delhi.
चलिए डिपार्चर का टाइम आप यहाँ सामने देख लीजिए 7:44 हम लोग वसई रोड से निकलने के लिए तैयार हैं। चले जी यहाँ वक्त हो चुका है 8:10 की देर है और फाइनली अपने डे टू का सूप जो है वो आ चुका है। हम लोगों ने जर्नी शुरू की थी तिरुवनंतपुरम से और जो पहला सूप हमें सर्व हुआ था वो काफ़ी बेकार सा था क्योंकि वो जो रेडीमेड वाला होता ना वो दिया था, बेकार टेस्ट था। तो हमने कहा कि हमें बना के दीजिए सूप पेंट्री से स्टाफ वालों को, तो तब से वो लोग खुद ब खुद बना के ला रहे हैं। तो बढ़िया सा गरम गरम सूप जो है वो निकालते हैं सबसे पहले, एकदम गरम गरम सूप जो है फिलहाल मैंने निकाल लिया है, क्या बात है। और बाकी साथ में कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेड स्टिक्स, बटर और पेपर और सॉल्ट मिलता है। ज़रा टेस्ट करते हैं सूप का टेस्ट कैसा है। क्या बनाया यार सूप अभी तक का, तीनों टाइम में सबसे बेस्ट सूप मुझे अभी का लगा है और वैसे भी अपना लास्ट सूप होने वाला है क्योंकि कल सुबह तो ब्रेकफास्ट की सर्विस रहेगी और हम लोग दिल्ली करीब 12 बजे पहुँच जाएंगे। स्किपिंग पालघर, जी अपनी लॉन्गेस्ट रनिंग राजधानी का कारवा फिलहाल लगातार चल रहा है और अभी हम लोग इस ट्रेन में एंजॉय करने वाले हैं अपना डिनर डे टू का। डे वन का डिनर हम लोगों ने एंजॉय किया था, अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा तो जाके जरूर से देख लीजिएगा, वो उतना अच्छा नहीं था, फिर हम लोगों ने कंप्लेंट वगैरह की थी। उसके बाद से जो खाने में सुधार है वो लिटरली हमें देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कॉस्टिंग की, तो 8,500 रुपये टोटल किराया हम लोगों ने तिरुवनंतपुरम से लेकर दिल्ली तक का फर्स्ट एसी का पे किया है पर हेड, जिसमें केटरिंग चार्जेस है वो 1,395 रुपये यानी करीब 1,400 रुपये हम लोगों ने पे किए हैं सारा मील मिला के, जिसमें हम लोगों ने कल शुरू किया था तो इवनिंग स्नैक्स, फिर डिनर, आज सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, फिर से डिनर और कल फिर ब्रेकफास्ट में मिलेगा दिल्ली के पहले, और लंच नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग 12 बजे करीब दिल्ली पहुंच जाएंगे। फिलहाल चलिए अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं आज के मेन्यू में क्या है। ठीक है, आज सुबह पनीर भुर्जी था जब मैंने जैन थाली मंगवाई थी, एक दिन पहले कल शाम में पनीर की सब्जी थी। आज देखते हैं क्या नया है फर्स्ट एसी के इस खाने में। यहाँ आप लोग मेरे साथ मेन्यू चेकआउट कीजिए, तो आज के स्पेशल में है कोफ्ता, ये देखिए वेज कोफ्ता हमें यहाँ पर मिल रहा है बढ़िया से ग्रेवी के साथ। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए ये होगी आपके आलू की सब्ज़ी जो कि बढ़िया से फ्राई की हुई है। दाल भी आज काफ़ी अच्छी बनी है, देखो दाल में भी चेंज है आज, अभी तक तुअर की दाल मिल रही थी, ये मेरे ख्याल से मिक्स दाल है चना वगैरह की, और आज राइस भी अगर देखो तो बढ़िया से फ्राई किया हुआ है। तो यार खाना काफ़ी अच्छा दिया है कंपेरेटिवली अभी तक, तो मज़ा आ रहा है देख के से। ज़रा टेस्ट करते हैं अब। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा दाल के साथ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है मूँग वाली और चने वाली जो दाल होती है ना, अच्छी खासी हफ्ता में बिलीमोरा हमारी गाड़ी स्किप कर रही है, यहीं से बिलीमोरा वगाई नेहरू की अच्छी जो ट्रेन है वो चलती है। बाकी दाल काफ़ी बढ़िया है, नो डाउट कोफ्ता को मैं ऐसे प्लेन टेस्ट करना चाहूँगा, बढ़िया सा यार।
कोफ्ता भी बहुत बढ़िया है, जो फ्लेवर आ रहा ना मज़ा आ गया बॉस। आलू की सब्जी देखते हैं। कसूरी मेथी का टेस्ट आ रहा है, पर क्या सब्जी बनाई है, मज़ा आ गया। खाना ओवरऑल आज लग रहा है कि बहुत बढ़िया खाना जो इन्होंने सर्व किया है, फर्स्ट एसी वाला। बाकी रोटी वगैरह भी देखो बढ़िया सी सॉफ्ट एकदम पैंट्री में बनी हुई, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। फिलहाल ये जल्दी से फिनिश करते हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया। जल्दी से जल्दी आप सभी से फिर मुलाकात करते हैं। तो बिल्कुल अपने समय से डॉट ऑन टाइम अपनी राजधानी एक्सप्रेस फिलहाल पहुंची है गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन में। मैं आपको बता दूं यहां पर अपनी ट्रेन का मात्र 3 मिनट का हॉल्ट है। आप मेरे पीछे देखो, सूरत ऐसा रेलवे स्टेशन है ना, मैं रात में 4 बजे भी देखा है, रात में 2 बजे भी देखा है, सुबह 6 बजे भी देखा है, पूरा ऐसा कैसा भरा मिलता है। बाकी खाना इतना बढ़िया था, दाल मैंने रिपीट करी और बढ़िया से इन्जॉय किया। मैं आपको बता दूँ फर्स्ट एसी में ट्रैवल करो, खाना पीना अनलिमिटेड होता है, जितना चाहें उतना आप मंगवा सकते हैं। हम लोगों ने अनलिमिटेड मील को इन्जॉय किया बढ़िया से, अब वॉक करने का थोड़ा मौका मिला है, क्योंकि इसके बाद सीधा जो हॉल्ट है वो आपका वडोदरा रेलवे स्टेशन आएगा। खैर सूरत के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप सभी को बताइए, ये मशहूर है अपने डायमंड के व्यापार के लिए, साथ ही टेक्सटाइल के व्यापार के लिए। बाकी अपने आगे गोल्डन टेम्पल मेल जो है ना वो चल रही है, अब देखते हैं वडोदरा के पहले मोस्टली हम उसे ओवरटेक जो ना वो कर देंगे। डिपार्चर कब होता है उसका इंतज़ार है, अब इसी बहाने वॉक भी हो जाएगी यार। अच्छा आज मेन्यू में थोड़ा चेंज किया, ये अच्छा लगा। तो वैसे यूजुअली क्या होता है, रसगुल्ला आ रहा है स्वीट, आज जो है आइसक्रीम हमें देंगे भैया। बारिश शुरू हो गई है, आप फील करो ट्रांजिशन, और ऐसा ऑलमोस्ट हर जगह हो रहा है कि हम लोग जहाँ भी पहुँच रहे हैं अपने साथ बारिश ले करके पहुँच रहे हैं, मानसून अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। अचानक एक झटके में बारिश आई तो देखो सारे लोग परेशान हो रहे हैं, भीग ना जाए इस वजह से शेड के नीचे जा रहे हैं। ये सामने बाकी के प्लेटफॉर्म्स हैं सूरत रेलवे स्टेशन के, मेनली 1 और 2 नंबर पर ही गाड़ियाँ जो हैं आती जाती रहती हैं। तुरंत डिपार्चर बिना किसी डिले के साथ। बाकी सूरत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, ये तो आप सभी को पता ही है, और ये आता है आपका वेस्टर्न रेलवे के अंदर, डिवीजन पड़ता है यहाँ पे बॉम्बे। वैसे ये जंक्शन स्टेशन नहीं है, यहाँ का जो सूरत का जंक्शन स्टेशन है वो आपका उधना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से जस्ट अगला स्टेशन है। यहाँ से जलगांव वाली जो लाइन है ना वो अलग हो जाती है, और बहुत सारी ट्रेन जो है वहाँ से ओरिजिनेट होती है, क्योंकि सूरत के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा लोड है। सूरत से निकलते अपनी गाड़ी जो वो तापी रिवर को पार करेगी, कोशिश करता हूँ मैं आप सभी को दिखाने की। ये देख लो आप सूरत रेलवे स्टेशन की पिट लाइंस, जहाँ पे ट्रेनों का मेंटेनेंस किया जाता है। ये सब आप देख लो, आपको सूरत के आउटर में बहुत सारे ऐसे कारखाने देखने को मिल जाएंगे। तापी रिवर, फिलहाल हम लोग भरूच के पहले नर्मदा नदी को पार कर रहे हैं। नर्मदा नदी का ब्रिज निकलते ही हम लोग सीधा भरूच स्टेशन को स्किप कर रहे हैं।
चले जी, भड़ूस हम लोगों ने स्किप कर लिया है, आइसक्रीम वगैरह जो है सूरत के बाद ही हमें दे दी थी भैया ने, तो बढ़िया से पहले उसको इन्जॉय किया, उसके बाद थोड़ा बैठ के नज़ारे इन्जॉय किए, पूरा दिन हो गया इसको रिकॉर्डिंग करते हुए, थोड़ा रिलैक्स करने का मन था। नॉन स्टॉप फिर अपनी गाड़ी भाग रही है, पर एक चीज़ है कि गोल्डन टेम्पल रेल जो हमारे आगे चल रही है वो हमें ओवरटेक नहीं दे रही। अब राजधानी का पूरे मतलब प्रायोरिटी क्यों नहीं, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। मतलब जैसे हम लोग क्लोज आते हैं गोल्डन टेम्पल के, हम स्लो डाउन हो जाते हैं, फिर 130 मारते हैं, फिर स्लो डाउन हो जाते हैं। तो यही चल रहा है, देखते हैं ओवरटेक कहाँ पर होता है, मुझे इंतज़ार है। क्या ज़बरदस्त रफ्तार में हमारी राजधानी एक्सप्रेस ने वडोदरा रेलवे स्टेशन में एंट्री करी है, और हमारे बगल वाले प्लेटफॉर्म पे खड़ी है आपकी गोल्डन टेंपल मेल। हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आए हैं और वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर है। करीब 11:57 करंटली समय हो चुका है, हम लोग वडोदरा जंक्शन पहुंचे हैं। ये भी जंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ से सीधी लाइन अहमदाबाद की ओर निकल जाएगी और हमारी राजधानी यहाँ से बढ़ जाएगी टुवर्ड्स आपका रतलाम, ठीक है। बाकी गोल्डन टेम्पल मेल के मोस्टली हमें यहाँ से आगे निकालना चाहिए, बट नहीं, सिग्नल उसे दिया है भाई साहब। ये सीन का समझ नहीं आ रहा, हो सकता है आगे जाके कहीं ओवरटेक करवा दें। अभी हम लोग पहुँचे हैं, बाकी ये अपनी लॉन्गेस्ट रनिंग राजधानी का लास्ट थर्ड हॉल्ट है, इसके बाद अपनी राजधानी रतलाम रुकेगी रात 3:30 बजे की समथिंग, उसके बाद कोटा सुबह सुबह 6 बजे, फिर सीधा दिल्ली। मुझे वो दिन याद है जब ये राजधानी एक्सप्रेस न सूरत रुकती थी न रतलाम, सोचिए वसई से सीधा वडोदरा, वडोदरा से सीधा कोटा और दिल्ली। अभी तक करीब 1850 किलोमीटर का सफर हम लोग इस लॉन्गेस्ट राजधानी में तय कर चुके हैं, और पूरा थ्रिलिंग भरा रहा है, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे प्रायोरिटी की बात हो, ओवरटेक हो, ये मूवमेंट तो दिखाना बनता है कि राजधानी के आगे गोल्डन टेम्पल मेल को निकाला जा रहा है। आप डिमांड देखिए गोल्डन टेम्पल की, जनरल पूरा जैम पैक है, मतलब अंदर घुस भी नहीं सकते, लोग बाहर लटक रहे हैं। ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अरावली एक्सप्रेस एंटर कर रही है। गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस के निकलते ही तुरंत 5 मिनट के अंदर हमें डिपार्चर मिल गया है। वडोदरा भी कोई छोटा मोटा रेलवे स्टेशन नहीं है, ये इंडिया का 5th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। इतनी सारी ट्रेनें यहाँ पर लगातार आती जाती रहती हैं, क्योंकि अहमदाबाद वाला ट्रैफिक, मेन लाइन का ट्रैफिक, मुंबई से आने वाला ट्रैफिक, सब यहाँ आके पूरा निकलता है। खैर रात के 12 तो अभी बज चुके हैं फिलहाल, और अपना जो अगला स्टॉप है सीधा रतलाम जंक्शन आएगा। देखते हैं गोल्डन टेम्पल मेल को हम लोग कहाँ ओवरटेक करते हैं। फिलहाल तो अपनी इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग राजधानी के सफ़र में रेस्ट करने का टाइम जो वो आ चुका है, क्योंकि आज पूरा दिन रिकॉर्डिंग रही है और अब थकान महसूस हो रही है। देखते हैं आउटर में कोई तो ट्रेन वेट करी एंटर करने के लिए, कौन सी गाड़ी है। बरौनी बांद्रा अवध एक्सप्रेस, और चीज़ें कि रेलवे के नज़रिए से भी आपका जो वडोदरा जंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है,
क्योंकि यहाँ पे एक तो लोकोमोटिव का शेड है, बहुत सारे आपने लोकोमोटिव देखे होंगे, BRC वेब 7 करके, जो कि मुंबई राजधानी जैसी बड़ी बड़ी ट्रेनों को हॉल करते हैं, नॉर्मल मेल एक्सप्रेस ट्रेन को हॉल करते हैं। साथ ही साथ ये वेस्टर्न रेलवे के अंडर एक डिवीजन भी है, तो सही है। फिलहाल चलते हैं अंदर, देखते हैं अगर ओवरटेक हुआ तो वो दिखाते हैं, अदरवाइज अब आप सभी से सीधा सुबह मुलाकात करते हैं, सोने चलते हैं। फर्स्ट AC है भाई, थोड़ा तो रिलैक्स करना बनता है ना। सुबह सुबह हमारी गाड़ी फिलहाल कोटा जंक्शन आके खड़ी हो चुकी है और यहाँ पे हमें बैटरी जो है वो सर्व कर दी गई है। बैटरी में बेसिकली आपको बिस्किट और चाय मिलता है, और हम लोगों ने क्या किया था कि रिक्वेस्ट की थी केटरिंग स्टाफ से कि प्लीज़ चाय बना के ले आइएगा, तो बना के ले आए हैं। देखो अब चाय डालते हैं हम लोग बढ़िया से कप में और बाहर चल के ज़रा चाय को इन्जॉय करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को, फिलहाल गरम गरम चाय के साथ अपने दिन की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, और अगर आप राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हैं तो इसी गरम चाय के साथ आपकी शुरुआत होगी, जिसे हम लोग बैटरी कहते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, सुबह करीब 6:30 बज चुके हैं। एक्चुअल अपनी गाड़ी जो है यहाँ पे 6:25 पे ही आ गई थी, इतना बिफोर आ गई थी। आप सोचिए यहाँ पे राजधानी एक्सप्रेस यूँ मान लो 6:45 का डिपार्चर है, 20 मिनट बिफोर आ गई, प्लेटफॉर्म पर ले भी लिया, तब से यहीं पर खड़ी है। बाकी मैं आपको बता दूँ यहाँ से अपनी गाड़ी में जो है स्टाफ वगैरह चेंज होगा, जो लोको पायलट साहब है, गार्ड साहब है, अब वो एंड टू एंड ले जाएंगे, मतलब एंड टू एंड बोल रहा हूँ, कोटा से जाएंगे तो सीधा दिल्ली स्टॉप है, दिल्ली तक जाएंगे स्टाफ। सवाई माधोपुर मथुरा ये सब स्किप है अपनी गाड़ी का। हाँ जी, अब बात करते हैं अपनी लॉन्गेस्ट रनिंग राजधानी के सफ़र के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने 2400 किलोमीटर का सफ़र कोटा जंक्शन तक तय कर लिया है इस राजधानी एक्सप्रेस में। कल का पूरा दिन चले, और एक दिन पहले हम लोग दिन में 2:30 बजे निकले थे, बढ़िया से केरला को इन्जॉय करते हुए, उसके बाद कोंकण को एंजॉय करते हुए, अब हाई स्पीड इंसेक्शन को एंजॉय करते हुए हम लोग पहुँचेंगे आपका नई दिल्ली। आगे बात करते हैं कोटा जंक्शन के बारे में। तो ये एक जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो आपकी बीना की ओर निकल जाती है, और एक लाइन यहाँ से चित्तौड़गढ़ की ओर निकल जाती है, जिससे आपकी मेवाड़ एक्सप्रेस वगैरह है ना वो जाती है, इसीलिए भी एक बड़ा जंक्शन स्टेशन है। साथ ही साथ वेस्ट सेंट्रल रेलवे का ये आपको बता दूँ एक डिविजनल हेडक्वार्टर भी है, डिवीजन पड़ता है कोटा, यहाँ देख लो आप, काफ़ी बड़ा स्टेशन है। और इस जो मेन लाइन है ना नई दिल्ली मुंबई, इसका भी मेन स्टेशन है, क्योंकि हर गाड़ी यहाँ पे हॉल्ट लेती है और स्टाफ वगैरह जो वो चेंज होता है, काफ़ी गाड़ियाँ ऐसे ओरिजिनेट भी होती हैं, जैसे कोटा हिसार, कोटा पटना, कोटा उधमपुर, ये सब गाड़ियाँ चलती हैं, तो राजस्थान का एक इम्पोर्टेंट स्टेशन भी ये बन जाता है। खैर, रात में 1 बजे तक मैं जागा था गोल्डन का ओवरटेक लेने के लिए, बट फिर हुआ नहीं तो मैं सो गया, मेरे भाई सुबह उठना है, कोटा में उठना ही पड़ेगा। अभी ट्रैक करते हैं, या तो गोल्डन को ओवरटेक हो गया होगा, मेरे ख्याल से हो ही गया होगा, कोटा में हम लोग का टाइम पहले तो वो हमारे पीछे होगी, कोटा में ही हमारा टाइम पहले था, उसके अलावा उसका टाइम हर जगह आगे था, इस वजह से मेरे ख्याल से उसे आगे ही चला रहे थे। फिलहाल चलें, अब डिपार्चर का टाइम हो गया है, कोच के आगे चलते हैं। चलिए अराइवल चाहे कितना भी बिफोर टाइम हो, डिपार्चर बिल्कुल ऑन टाइम। इस लॉन्गेस्ट रनिंग राजधानी के सफर के आखिरी पड़ाव में फिलहाल हम लोग बढ़ चुके हैं, और करीब 450 किलोमीटर का सफर और है, जिसके लिए गाड़ी अपनी नॉन स्टॉप भागेगी, टाइम करीब 6 घंटे से लगने वाला है। एक्सेलरेट कर रहा है WP7। यहाँ किसी गाड़ी की शंटिंग हो रही है, इटारसी शेड का WP7। यहां से निकलते हैं हम लोग, चंबल नदी को पार करेंगे, दिखाता हूं मैं आप सभी को।
ये थी आपकी चंबल नदी जो कि कोटा को पार करते ही आ जाती है। ये रूट क्या खूबसूरत हो गया है, देखो इतना खूबसूरत मैंने इस रूट को कभी नहीं देखा। वाकई में पहाड़ हरे भरे हैं, बादल आए हुए हैं, एकदम ओवरकास्ट वेदर। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, ये जो नजारे हैं ये सवाई माधोपुर और कोटा के बीच के हैं, बहुत गजब। हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी यहाँ शुरू हो गई है। ये जो लाइन सामने आप देख रहे हैं ये आ रही है जयपुर की ओर से, इसका मतलब हम लोग सवाई माधोपुर स्टेशन फिलहाल स्किप करने वाले हैं। फिलहाल बैक टू बैक क्रॉसिंग्स का सिलसिला चल रहा है यहाँ पे। अपना ब्रेकफास्ट अंदर सर्व हो गया है, हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम लोग गंगापुर सिटी स्किप करेंगे, साथ ही साथ मडगांव राजधानी से हमारी क्रॉसिंग होगी, वो दिखाना जरूरी है। गाड़ी अपनी 130 की रफ्तार में नॉन स्टॉप भाग रही है, वेदर पूरा ओवरकास्ट है, आप देखो। फिलहाल गंगापुर सिटी को हम लोगों ने काफ़ी धीमी रफ्तार में स्किप किया है क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ ट्रैक पर थोड़ा बहुत काम चल रहा है, इस वजह से। चलो यहाँ पर वक्त है ब्रेकफास्ट करने का, तो देखो पैक्ड कुछ ऐसा आता है, अनबॉक्स हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। तो आज का मेन्यू आपको दिखा देता हूँ, कल भी हमें ब्रेकफास्ट में उपमा ही मिला था, आज भी वही मिला है। एक्चुअली हम लोगों ने पोहा का बोला था बट आज अवेलेबल नहीं है पेंट्री में। बाकी ये देखो कटलेट कुछ इस तरीके से आए हैं, साथ में आपका हो गया ये कॉर्नफ्लेक्स, मिल्क उधर रखा हुआ है, फ्रूट में आज बनाना है, कल एप्पल था। बाकी ये जैम, बटर, सॉस, टिकट और स्पून आपको मिल जाता है। राजधानी आने वाली है, देखो वहाँ पे हम लोग बैठ के ट्रैक कर रहे हैं, तो एक बार राजधानी निकल जाए उसके बाद जो है रिव्यू करते हैं खाने का। हज़रत निज़ामुद्दीन मडगांव राजधानी एक्सप्रेस, सिग्नल वहाँ पे ग्रीन क्योंकि अब आ रही है पीछे से गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस।
क्या निकली है, फ्लैट 130। तो फाइनली इस अपनी लंबी राजधानी की जर्नी का आखिरी मील को एंजॉय करने का वक्त आ चुका है, जो कि आपका ब्रेकफास्ट। और मेन्यू आपको पहले ही दिखा दिया था मैंने। शुरुआत करते हैं उपमा से, टेस्ट करते हैं ज़रा कैसा है। कल भी उपमा ही था, कल बहुत अच्छा बना था। हाँ ठीक है, आज उतना खास नहीं लग रहा उपमा, मतलब एवरेज सा कहेंगे। भाई कटलेट गरम गरम आए, देखते हैं कटलेट कैसे हैं। वेजिस के साथ सर्व करते हैं कटलेट। ठीक से पके नहीं हैं, हल्के कच्चे हैं, मतलब समझ में आ रहा है टेस्ट सही, और क्रिस्पी भी नहीं है। बाकी ये ब्रेड हो गया आपका, और मैं तो मेनली ये कॉर्नफ्लेक्स और उपमा दो चीज़ खाऊंगा। मिल्क वहाँ पे रखा हुआ है, बढ़िया से मिक्स करते हैं और इसको इन्जॉय करते हैं। अभी गोवा संपर्क क्रांति की क्रॉसिंग आप लोगों ने देखी, ऐसे ही गाड़ी अपनी नॉन स्टॉप अभी भाग रही है, ठीक है। बाकी ओवरऑल अभी ब्रेकफास्ट की अगर रेटिंग की बात करें तो 10 में से 5 मैं देना चाहूँगा। मेरी तरफ से उतना कुछ खास है नहीं, मुझे उम्मीद थी कि शायद पोहा मिल जाएगा, बट पेंट्री में था नहीं। खैर कोई बात नहीं, चलो इसे फिनिश करते हैं और फिर मिलते हैं आप सभी से। जब आपको ऐसे बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिल जाए ना, तो आप लोग समझ जाना कि हम लोग फ़िलहाल बयाना जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। काफ़ी धीमी धीमी रफ्तार में चल रहे हैं हम लोग, उसके पीछे का कारण है हमारे आगे जनशताब्दी एक्सप्रेस चल रही है, कोटा हज़रत निज़ामुद्दीन, और पूरा दिल्ली तक क्रॉल करवाते हुए ले जाएगी। ओवरटेक देंगे नहीं, और ओवरटेक नहीं होगा तो हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे। हर जगह उसके स्टॉप हैं, मतलब बड़े बड़े स्टेशनों पे, गंगापुर सिटी हो गया आपका, यहाँ पे बयाना वगैरह, मथुरा वगैरह, जहाँ जहाँ वो पहुँचेगी हम लोग आउटर पे ऐसे ही रेंगते रहेंगे। हल्दी घाटी पैसेंजर, इसीलिए बयाना एक जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है, पूरा कर्व लेते हुए लाइन उधर आगरा के पास निकल गई। सामने आप देख लो, ये जो आगरा वाली लाइन है ये फाइनली हमसे आकर मिल रही है। इसी के साथ धीमी धीमी रफ्तार में हम लोग फिलहाल मथुरा जंक्शन स्किप करने वाले हैं। सामने आप देखो सचखंड एक्सप्रेस को हमने ओवरटेक किया है। हाँ जी, तो फिलहाल हमारी गाड़ी जो है मथुरा स्टेशन पहुंची है, और जनशताब्दी यहाँ भी हमारे आगे आगे निकली है, और जनशताब्दी के पीछे पीछे केरला एक्सप्रेस भी मोस्टली 4 नंबर से निकली है आगे, तो हमें यहाँ पे रोक दिया है। वैसे अपना हॉल्ट तो नहीं है, यहाँ देखो सर्विसेज राजधानी की सारी कंप्लीट हो गई है। अभी जो ऑनबोर्ड स्टाफ है, पेंट्री स्टाफ, पेंट्री मैनेजर वगैरह मिलने आए थे फीडबैक लेने के लिए, तो जो भी हमें कमियां लगी, खामियां लगी, हमने साफ उन्हें बता दिया, और एक ही चीज़ कही कि होपफुली फ्यूचर में जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव होंगी। बाकी मथुरा एक जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन देखिए आगरा वाली अलग हो जाती है, वो मैंने आपको बता दी, एक लाइन यहाँ से कासगंज की ओर भी निकलती है फरुखाबाद, इसलिए भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन ये बन जाता है, और आगरा के लिए भी लाइन गई है एक और।
बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे अपनी गाड़ी फिलहाल खड़ी है, ये है 4, और उधर सचखंड एक्सप्रेस खड़ी है 3 नंबर पे। बहुत टाइम इस राजधानी एक्सप्रेस को दिया हुआ है, लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम। एक ज़माना मुझे याद आता जब ये जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम राजधानी, ये फास्टेस्ट राजधानी थी कोटा दिल्ली के बीच, मतलब ताबड़तोड़ रफ्तार में। भाई साहब सचखंड को डिपार्चर, सिग्नल हो गया सामने। क्या ही कहें अब, खैर ठीक है। तो भाई हम लोग बात कर रहे थे कि हुआ करती थी, पर अब इसको इतना स्लैग दिया हुआ है कि दूसरी राजधानी इससे कम टाइम लेती है, चाहे आपकी अगस्त क्रांति हो चाहे मुंबई राजधानी हो। पता नहीं इस राजधानी से क्या ऐसा है कि इसको बहुत ज़्यादा टाइम दिया हुआ है। अब आगे देखो सचखंड एक्सप्रेस को छोड़ रहे हैं। हाँ ये बात मैं मान रहा हूँ कि मॉनसून टाइम टेबल चल रहा है तो उसके लिए स्लैग ज़रूरी है, पर वो जब एक बार गाड़ी मतलब वो कहाँ ज़रूरी है, जो आपका कोंकण वाला हिस्सा है जहाँ मॉनसून बारिश होती है, जहाँ गाड़ी को धीमा किया जाता है। ये तो 130 वाला सेक्शन है ना, यहाँ तो भगा ही सकते हैं। जनशताब्दी के चक्कर में ज़बरदस्ती इसको रुला रुला के चलाते हैं। बाकी सचखंड निकल रही है, सामने कोई तो ट्रेन एंटर भी करे WG9 के साथ। अच्छा हजरत निजामुद्दीन इंदौर स्पेशल, ICF, ये महामना का रेक है। जो महामना लेज भी हो गई ना, बीकानेर महामना। चलिए मथुरा जंक्शन से फिलहाल हमें भी डिपार्चर मिल गया है, और आगे अगर लाइनअप की बात की जाए तो वो केरला एक्सप्रेस नहीं, कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस निकली थी, उसके पीछे पीछे सचखंड, और सबसे आगे चल रही है जनशताब्दी, जो कि अलग ही फॉर्म में है भाई, सबसे आगे चल रही है वो। उसी जगह पर हम लोगों ने कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस को ओवरटेक कर लिया है। फरीदाबाद आउटर पर फिलहाल हम लोग खड़े हैं, और यहाँ हमारे आगे पहले तो मालगाड़ी जा रही है, फिर वो अलग बात है कि वो अपने ट्रैक पे चल रही है। बाकी सामने आप देखो तो प्लेटफॉर्म पे सचखंड एक्सप्रेस खड़ी है, और हम लोग स्टेशन के आउटर में वेट कर रहे हैं, मतलब ओवरटेक नहीं देंगे। भाई साहब राजधानी वाली वाइब आखिर में तो नहीं है, सामने दिख रही है सचखंड, उसका हॉल्ट है, अब हमारा हॉल्ट नहीं, फिर मैं आउटर में खड़ा किया हुआ, आगे नहीं निकाल रहा। चलिए जी फाइनली अपनी गाड़ी जो है वो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। सारे प्लेटफॉर्म आप देखोगे तो ऑक्यूपाइड आपको मिलेंगे, हर प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई गाड़ी खड़ी ही है, और मेरे ख्याल से
आपका उस तरफ सबसे कोने में जनशताब्दी खड़ी है और इधर ये सचखंड खड़ी होगी मोस्टली। माफ़ कीजिएगा, जनशताब्दी यहाँ खड़ी है, ये सामने आप देख लो। सचखंड सचखंड चलिए फाइनल बिल्कुल डॉट ऑन टाइम हम लोग पहुंच चुके हैं। फिलहाल आपका हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन ये अपना भी डेस्टिनेशन है, प्लस ये लॉन्गेस्ट राजधानी का भी डेस्टिनेशन है। फिलहाल सामने देख लो, सचखंड एक्सप्रेस यहाँ से अमृतसर की ओर रवाना हो गई है, अभी नई दिल्ली जाएगी और वहाँ से आगे निकलेगी अम्बाला होते हुए। बाकी एक रिव्यू करते हैं इस राजधानी एक्सप्रेस का, ओवरऑल रिव्यू, फाइनल रिव्यू जिसको कहते हैं। साफ सफाई ट्रेन की एवरेज है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है। सेकंड चीज़, पंचुअलिटी पूरी है क्योंकि टाइम ही इतना दिया हुआ, गाड़ी बिफोर जाती है। थर्ड चीज़, अब बात करते हैं आप सभी से इस ट्रेन के खाने पीने के बारे में। तो खाना पीना ट्रेन का आप लोगों ने देखा कि शुरुआत में बहुत ख़राब था, सच में ख़राब था यार, क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों ही। बाद में फिर जब हम लोगों ने कंप्लेंट किया उसके बाद जो है ठीक ठाक देने लगे ये लोग। आई होप फ्यूचर में भी सर्विस ऐसे ही इंप्रूव हो। बाकी जनशताब्दी एक्सप्रेस जो हमारे आगे आ गई है उसको आगे लाने का कारण है क्योंकि 12:45 उसको वापस जो है निकलना होता है कोटा की ओर, तो उसको भगा भगा के फटाफट आगे लाते हैं। हम लोग जब तक पहुँचे तब तक उसका लोको रिवर्सल होकर वो तैयार है डिपार्चर के लिए, सोचिए तो सही है, इसलिए उसको आगे लाते हैं। एक टाइम था हम लोग का गैप 4-5 किलोमीटर का था, वो हमसे पहले यहाँ पहुँच गई, एक टाइम के बाद 40-50 किलोमीटर का गैप हो गया था, इतनी प्रायोरिटी में भागती है वो। फिलहाल के लिए अगर आप लोगों ने इसके बाकी पार्ट्स नहीं देखे राजधानी एक्सप्रेस के तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके ज़रूर से देख लीजिएगा। केरला के बैक वाटर्स, कोंकण रेलवे की खूबसूरती, सब कुछ हम लोगों ने एक्सप्लोर किया है, साथ साथ बहुत सारा खाना पीना, लग्जरी फर्स्ट एसी का सफ़र भी हम लोगों ने इन्जॉय किया है। चलिए खैर, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बोले शायद जैन को। मिलते रहेंगे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शायद साइन ऑफ फ्रॉम हज़रत निजामुद्दीन दिल्ली, और यहाँ आते भाई साहब गर्मी। फिलहाल एग्जैक्टली 45 घंटे की जर्नी के बाद इस राजधानी एक्सप्रेस को बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है। थैंक यू फॉर द राइड राजधानी।